के हवाले से ये खबरें आती दिख रही है, जो बैंक्स निजीकरण किए जा सकते हैं उनकी सूची में आईओबी का और बैंक ऑफ इंडिया का नाम आते हुए दिखा है। ये इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर आती दिख रही है। सरकार मिड साइज सरकारी बैंकों के निजीकरण के पक्ष में है, इस खबर पर फोकस कीजिए। और दो बैंकों के जिनके नाम सामने आते दिख रहे हैं उनमें से एक है आपके लिए आईओबी और दूसरा है आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया। इन शेयरों पर फोकस कीजिए। आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टॉक है जो कमाल करते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं खबरों के दम पर यहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। कुछ और खबरें इसी से जुड़ी हुई अगर आती हुई दिख रही है, दीप कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास, कुछ और खबरें? और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम आता हुआ दिख रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये तीसरा बैंक है, यानी कि कुछ कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो छोटे बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, यहां पर सरकार एक्शन लेकर इन्हें निजीकरण कर सकती है। ये बड़ी खबर आती दिख रही है इस वक्त, ये बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। ये बड़ी खबर वायर्स के हवाले से आती दिख रही है दीप। बिल्कुल सर, बेसिकली ये वही बैंक्स हैं, मिड साइज बैंक्स का एक तो सरकार निजीकरण करेगी, और वो वाले बैंक्स जिनका ऑलरेडी मर्जर नहीं हुआ है। कुछ समय पहले कुछ पीएसयू बैंक्स का मर्जर कर दिया था, दो बैंक्स का मर्जर एक बड़े बैंक के साथ जो करा था थोड़े समय पहले की प्रक्रिया है, तो जिन बैंक्स ने उस समय पार्टिसिपेट नहीं करा था वो प्राइवेटाइजेशन के लिए प्राइम कैंडिडेट्स बनते हुए दिखेंगे। तो इसलिए नाम जो सामने आ रहे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, और ये पहले भी बाजार ने इन बैंक्स का के नाम का अनुमान लगाया था, तो उसी श्रेणी में, उसी एक्सपेक्टेशन में नाम सामने आ रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी पहले बात हो रही थी, इस समय बात नहीं हुई है, बट ये तीन बैंक डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन के कैंडिडेट बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये डिटेल्स सामने आती हुई दिख रही हैं, और इसलिए आप इन सभी बैंक्स पर एक बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। आईओबी पर नजर रखिए, 10% ऊपर ये काउंटर आ रहा है। एक बार जरा एक चार्ट पर भी चेक ले लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया काफी एक्टिव रहता है ये काउंटर ट्रेड में। कुणाल जी, जरा बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पर राय दें सर। देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने अभी दो तीन दिन पहले इस पर खरीदारी की राय दी थी, और हमारा लक्ष्य था कुछ 90 रुपए का, तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास अब ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न नीचे बना हुआ है, 90 रुपए से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत अच्छा एक चार्ट सेटअप है। तो इन स्तरों पर भी खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, या मामूली डिप आता है तो उसका इस्तेमाल करें बाय करने के लिए। 77 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, 85 रुपए पहला टारगेट, 90 रुपए दूसरा टारगेट, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया, 85 और 90 रुपए तक के टारगेट के लिए हो रहा है तैयार सारे सरकारी बैंकों में, इसी वजह से आता दिख रहा है दमदार एक्शन।